हाँ ठीक है, क्योंकि आज का मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया ये नेट की वजह से ना। अभी इनवैलिड कैसे बता रहा है मीटिंग आईडी? नहीं गलत नंबर डाल दिया होगा आपने। नहीं अरे ये नंबर कैसे चेंज हो गया? अरे अपने आप ही चेंज हो गया, कमाल है। 931 ऑटोमेटिकली 97 80 78 24। हाँ ये अपने आप कैसे इसने गलत कर दिया? मैं तो कॉपी करता हूँ। बदमाश है। फिर कह रहा है आईडी गड़बड़ है क्या? 931 एक मिनट, मैं दोबारा करता हूँ। ये समझ नहीं आ रहा है क्या गड़बड़ करेगा। खैर छोड़ो, प्राची तुम बताओ कहाँ मैं बातों में इसमें हो गए। दोबारा से स्टॉप करके कर लूं रिकॉर्डिंग नहीं, हाँ स्टॉप। प्राची नहीं, क्यों रिकॉर्डिंग स्टॉप करना चाहती हो? कंटिन्यू रहने दो ना। प्राची जी भैया, आ जाओ भाई, हमारी इस मैम गड़बड़ में आ गई तुम्हारी हूँ। बात रहेगी। हाँ देखो, बोलो 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 हाँ, बोलो। हाँ अभी ऐसे ब्रेक हुआ ना बीच में, तो हाँ 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 मुझे ना रोना आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि खुशी के आंसू की मैं इमोशनल हो रही हूँ। तो भाई एक काम करो, थोड़ा रो लो, अच्छा लगेगा हमें देखना खुशी में नहीं कैसे नहीं रोते हो। मैं वीडियो ऑफ करके रहूंगी नहीं, वीडियो के सामने रोना, हमारे जो सहजी है उनका हौसला बढ़ेगा। देखो फिर मैं बोल कैसे पाऊंगी। अभी देखो मेरी क्यों आवाज भी वैसी हो रही है। मैं रोना क्यों आ रहा है तो बताओ, कारण बताओ। चलो नहीं समझ, मतलब क्यों आ रहा है रोना ये बता दो बस। मैं वीडियो ऑफ कर लेती हूँ थोड़ा सा। है मैं फ्री फील नहीं कर रही क्योंकि मुझे रोना आ रहा है। पता नहीं कहाँ से इमोशन टपक टपक के आ रहे, कब छूटेंगे। जैसे एक प्यासे को बहुत दिन से पानी नहीं मिला था टाइप, अभी पी के तृप्ति मिल रही है, पर ये इमोशन कहाँ से आ रहे समझ में नहीं आ रहा। कि खुशी है, खुशी तो है ही, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, फिर ये इमोशन रोने वाले इमोशन आ गए, तो फिर अब मैं एकदम समझ नहीं पा रही हूँ। कुछ होगा अंदर। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आप म्यूट हो। हेलो, म्यूट है आप। हाँ सॉरी, आ रही है? ओ इस पे भी मैं बोल रहा हूँ, डबल अभी भी डबल। ये आप क्या? आएगा एको। आपको फोन में ना वो जो स्पीकर पे जो एक इमेज है उसको बंद करना पड़ेगा। अरे ये समझ नहीं आ रहा कहाँ कहाँ से चल जाता है ये। अब हो जाएगा सही। अब ठीक है ना आवाज मेरी? हाँ जी आ रही है? हाँ जी हाँ जी, आ रही है प्राची। हाँ प्राची, थोड़ा रोने गई है। अच्छा रोने गई है। चलो इतने कोई और आ जाओ, उसे रो के निपट के आने दो। जय श्री माता जी। बहुत जय श्री माता जी। जी बहन सुंदर और डीप अनुभूति हुई।
ऐसे मतलब ऐसा लग रहा था सुषुम्ना ब्रह्म नाड़ी सब शुरुआत से ही अच्छा लगा, और बीच में जब बंद हुआ तो मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि इतना आनंद था अंदर, इतना आनंद था। फिर मैंने कहा इतनी देर तक तो भैया अनुभूति लेने के लिए नहीं कह सकते, तो फिर देखा तो मैंने 10:30 पे दोबारा से ज्वाइन किया, और अभी भी ऐसा बहुत अच्छा ही लग रहा है। मतलब काफी दिन से यही अनुभूति चल रही है, एक्सपीरियंस कर रहे थे। आप कलेक्टिविटी में किया तो और अच्छा, मतलब अंदर तक डीप, जैसे हर सेल रोम रोम जो माँ के प्रेम को एक्सपीरियंस कर रहा था। जी आनंद आ रहा था। बहुत बहुत मतलब वो ऐसा लग रहा था कि वो शायद शून्य हमारे अंदर, बहुत जो हृदय की शून्यता में जाने की बात हो रही थी, हम वो सबकी शायद क्या अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी। गहनता से घटित हो रही है। फिर गड़बड़ हो रहा है, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, आ और रही। हमारे अंदर भी शून्यता है और हम आनंद ले रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है उसका भी। ये रियलाइज हुआ कि हमें क्या एहसास दिलाया श्री माता जी ने। हाँ मतलब जो माँ का सपना था, मुझे ऐसा लगता है अब इतने सारे लोग अब उस स्थिति में जाएंगे कि माँ जो चाहती थी कि जो लोग कहते हैं वो होते नहीं है, और माँ की इच्छा थी कि जो हम कहें और वही हम हो भी जाएं। आज काफी बड़ी घटना मतलब है ये हमारे भीतर में। हाँ जी बिल्कुल, मतलब कहाँ हम पहले चैंटिंग करते थे कि वो हमारी जो कप खुले, देवी देवता जागृत हो, थोड़ी हम पे कृपा हो, हमें थोड़ी सी शांति हो, अब एक अलग स्थिति में पहुंच गए कि हमारे माध्यम से जो हमारे अंदर हृदय में बड़ी बड़ी विभूतियां हैं और सब जो देवी देवता हैं उनको भी ब्रह्म चैतन्य मिल रहा है और वो भी मुक्त हो रहे हैं, और मतलब उसका जो वो एक आनंद है वो अलग ही है। आपने एक चीज देखा कि ध्यान का पूरा नजरिया ही बदल गया। ग्रेट बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मेशन और जैसे ही वो जैसे प्लैनेट्स वाला भी विदिन द देखा था उसके, आइडिया हाँ उसकी चर्चा सुनी माइंड। थी, तो जब आपने ओम चैंटिंग भी किया तो ओम चैंटिंग का भी वो अलग अलग प्लैनेट्स से ऊर्जा का अनुभव किया। तो वो वहीं से ही मतलब सीधा वो शून्य में तो पहले स्टार्टिंग में ही पहुंच गए थे, तो बाद में तो और इतना डीप डीप डीप, तो मतलब ऐसे अभी तो पूरा चैतन्य बह रहा है, जी बहुत सुंदर है। एक्चुअल में हमारे को कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है उन्होंने, एहसास करने की बात है। बिल्कुल अभी तक तो हम महसूस करते हैं कि वे हमें संसार के कल्याण के लिए कार्य करना है। अब एक इधर बिल्कुल, भी एक जिम्मेदारी आ गई, एक सूक्ष्म रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सटल रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमारे भीतर है। उस जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना है, पूरकता है, यानी कि कुंडली माँ और ये देवी देवता हमारी मुक्ति में हमारी सहायता कर रहे हैं। और इधर हम इस अवस्था में आने के बाद इन देवी देवताओं की सहायता कर रहे हैं। पहले ये हमारी सहायता करते हैं, फिर हम इनकी सहायता करते हैं। अब कितनी अच्छी बात है कि यदि हम इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं कि हम कनेक्टेड ही रहें, अगर हम लगातार कनेक्टेड रहें
तो भी इनके प्रति भी जिम्मेदारी हमारी पूरी होती रहेगी, है ना? बिल्कुल, विराट बहुत विराट स्वरूप हो गया जो, मतलब जो जो हमारा शिव तत्व था, हमारी आत्मा प्रकाशित हुई थी, वो भी सब पूरा विराट हो गया, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पूरी तरह से बहुत ज्ञानता के साथ घटित। जसलीन फिर से डिस्कनेक्ट हो गया क्या भैया का? हाँ जी, ये बार बार आज कुछ गड़बड़ हो रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कुछ नेट में प्रॉब्लम है कि कहीं डिस्टरबेंस है? तो शिल्पा बहन जी भैया, ये महसूस हो रहा है कितना विलक्षण घटनाक्रम हमारे भीतर में घटित हो रहा है? बहुत बहुत बहुत, अभी मैंने जहाँ पे शिफ्ट किया है ना, वहाँ पे भी इतनी परम शांति है, और मुझे लग रहा है कोई वो शायद कुछ विशेष घटनाक्रम के लिए भी मेरी शिफ्टिंग एकदम अचानक से हुई। हाँ, घटनाक्रम तो है विशेष, इसमें कोई शक नहीं। और जसलीन तुमको आवाज समझ में आई? नहीं, ये आपकी आवाज कट कट कर आ रही है और मिस कर रहे हैं बीच में। जैसे बीच में दो बार बंद भी हुआ था ना, एक मेरा ही मेरे बंद हुआ था। आप म्यूट हो गए मानोगी जसलीन? अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? एक बात मानोगी, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, तुम रिकॉर्डिंग शुरू करो, क्योंकि ये सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। हाँ, तुम कर रही हो? हाँ। अच्छा, तुम ही कर रही हो? आप क्या नेटवर्क इशू है?
ये मीटिंग कब स्टार्ट हुई थी जसलीन? ये बंद भी तो होने वाली होगी। अभी आ जाएगा मैसेज, अभी याद नहीं आ रहा, 11 बजे शायद। हाँ जसली, अरे यहाँ बोला कि वहां बोल दिया? अगर आपका जैसा भी बोला आवाज आ रही है। दोनों गैजेट्स में ऑन रहेगा ना, मतलब स्पीकर आपने, तो भी आपकी एको करेगा। आप एक काम कर सकते हो, लैपटॉप जैसे पे, पहले करना है वही करूंगा मैं। लैपटॉप पे लीव ऑडियो कर दो कंप्यूटर का, तो आपको विंडोज हाँ वही आप करूंगा वही करूंगा वही करूंगा। तो इसने, ये बारिश हो रही है ना, इससे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा। उस दिन तो अच्छे से बात हो गई थी, अब ये शो भी नहीं कर रहा मेरे को, लीव भी नहीं करने दे रहा है। यार डिस्टर्ब कर दिया इसने बातचीत सारी। तो थोड़ी देर सब लोग साइलेंट ही बैठ जाओ। नहीं साइलेंस में तो है, हो जाएगा आनंद है उसको हो ले लो। हाँ जाएगा, जी, कोई बात नहीं, इसमें दोनों ऑप्शन है हमारे पास। हाँ जी, कोई बोल रहे थे आपके अलावा? कोई आए थे बोलने? नहीं आपकी आवाज नहीं समझ आ रही थी ना, अच्छा इससे सब फिर साइलेंट थी। इसमें थोड़ा ना वायरस आ गया, कोई लैपटॉप में कोई वायरस है जो तंग कर रहा है। कभी तो ये ठीक से बात करने देता है, कभी गड़बड़ कर देता है। कुछ हाँ इंटरप्शन मुझे बारिश का भी बारिश, है, बारिश के हाँ कारण भी थोड़ा इंटरनेट इंटरप्शन हो रहा है। भी तंग कर रहा है और फिर कुछ वायरस है तो। हाँ दोनों तीनों चीजें हो रही है एक साथ, होता है समटाइम, कोई बात नहीं। से कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे दिन एक से नहीं होते, बिल्कुल और एक्सपेक्टेशन कोई रहती नहीं है अपनी। जय श्री माता जी भैया भैया, जय श्री माता दी बहन जी। जी आज जी का सेशन तो बहुत अच्छा था, पर मुझे हाँ बड़ा ना अंदर से ताजुब हो रहा था कि सारी डेटीज और कुंडलनी माँ तो हमारी चेतना को उठाने में हमारी मदद करते हैं, पर हम उनकी मुक्ति का एक माध्यम बन गए, ये तो मुझे थोड़ा तो आने लग गए कि ये तो सिर्फ जब मृत्यु के बाद होता है। मैं हमेशा यही समझती थी कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तब केवल जागृत जो इंसान होता है उसके अंदर के डेटिस और कुंडलनी की मुक्ति होती है। तो ये मुझे थोड़ा सा आज लगा कि ऐसा संभव हो सकता है, फिर मेरे माइंड नहीं चलाना, ऐसा होता होगा तभी आज ये सेशन होगा। तो ये अरे बहुत माइंड में तो चल जाता है ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, जीवित अवस्था में ये कैसे हो सकता है और हम कैसे माध्यम बन सकते हैं। पर ये हो रहा था, कहीं ना कहीं हो भी रहा था, पर साथ में अंदर एक विचार भी चल रहा था देख लीजिए, दोनों इसको दोनों साथ चलते हैं। आपकी बहुत नेटवर्क की अच्छा लगा परेशानी ऐसा अच्छी मेरी। है ना, हमारे को माइंड से पता है कि ऐसा मरने के बाद होगा, पर हाँ मरने के बाद हम हेल्प नहीं कर सकते उनकी, जीवित अवस्था में कर सकते हैं, ये समझने की जरूरत है हमें। में कैसे होते हैं, मतलब हम का माध्यम कैसे बन रहे, यही बस शिव्यांश बनकर कैसे, मतलब थोड़ा और नहीं क्लियर नहीं कीजिए। आप पल्ले नहीं पड़े,
हम नहीं। हाँ हमारे भीतर में इतने सारे देवी देवता बैठे हैं, जी यदि हम स्वेच्छा से माँ आदिशक्ति के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो माँ का प्रेम उन तक जाएगा, तो बन गए ना हम माध्यम। हमारे भाव बदल गए ना, पहले तो फिर हो ही हम इस रहा है भाव ना। में थे, पहले हम इस भाव में थे, हमें माँ से शक्तियां लेनी है, हमें ये करना है, देवी देवताओं का लाभ लेना है। अब हम इस नजरिए से भी तो बैठे हैं कि इन देवी देवताओं को भी तो माँ का प्रेम मिलना चाहिए। पर भैया वो तो हो ही रहा है ना, वो प्रोसेस तो चल ही रहा है। पर कहाँ चल रहा है, आपके भाव कहाँ है इसमें, आपके तो लेने वाले भाव है लेने वाले भाव है अभी तक, तो देने वाले भाव कहाँ है कि देवी देवताओं को भी हमें देना है कुछ, बताइए कनेक्टेड होने का जैसे मतलब ये नहीं है, हमारे भाव भी तो होने चाहिए। सिर्फ भाव नहीं है, अदरवाइज तो वो चीज तो चल ही रही है ना। देवी देवता, हमारी कुंडली, हमारी आत्मा, जीवात्मा, सब कुछ ग्रहण तो कर ही रही है, सिर्फ भाव की कमी है। भाव की कमी ऐसा है थी। ना बहन, आप समझने की जरूरत ये है कि हम किस भाव में माँ के पास जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं कि देने जा रहे हैं, बस यही सारा खेल है समझने का यहां से ही सारा गेम चेंज हो जाता है। नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट सब लोग लेने के लिए ध्यान में जा रहे हैं, माँ देवी देवताओं से हमें ऊर्जा मिल जाए, माँ आदि शक्ति से मिल जाए, सदाशिव से मिल जाए, ये हम ग्रहण कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम अपना हृदय परिवर्तन करते हैं और हम कहते हैं नहीं, देवी देवताओं आपके प्रति भी हमारे अंदर हमारे वात्सल्य अंदर है, बात आप भी है, माँ का आप भी प्रेम माँ भाव, का बदल गया ना सारा सीन। अब जैसे कि आप माँ हो और आप माँ हो तो चैतन्य के लिए हर समय कुछ ना कुछ करने को तैयार हो, चैतन्य भी आपके पास आएगा, मम्मी खाना दे दो, कपड़े कहाँ रखे हैं, मेरा सामान कहाँ है बता दो। और एक समय जब आएगा तो चैतन्य कहेगा मम्मी आप बैठो मैं करता हूँ, तो सीन चेंज हो गया ना, सीन मिलने मीटिंग तो दोनों ही अवस्था में हो रही है पर सीन बदल गया ना। अब आपको आसानी समझ में आ गई मेरी बात सीन बदल गया ना, तो ये है इजीली खेल समझने का, दिस इज द गेम जो हमें समझ में नहीं आता है और यही समझना होता है हमें। जैसे ही समझते हैं सारा सीन बदल जाता है हमारा। क्यों बहन बदलता है नहीं? तो आज इस भाव में थे ना कि माँ इन देवी देवताओं को प्रेम दे दो, हमारे अंदर पता नहीं कब से कैद है, तो सीन चेंज हुआ ना। अब जी ठीक है कनेक्टिविटी तो हो गई, कनेक्टिविटी का भाव तो, कनेक्टिविटी का प्रोसेस तो हो गया, लेकिन भाव भी तो देखिए ना, हमारे भाव कितने बदल गए। अब श्री माता जी हैं, एक कंडीशन होती है हमारी सारी विकृतियां ले रही होती थी वो, आज वो दे रही होती है हमें बहुत सारी चीजें। हम भी माँ के सामने बैठते थे, माँ हमें शुद्ध कर दो, हमारी ये वाली नाड़ी साफ कर दो, हमारी वो वाली नाड़ी साफ कर दो, अभी तो हम याचक हैं मांग रहे हैं। और जब पूर्ण संतुलन में आनंद ले रहे हैं ध्यान का तो माँ हमें दे रही है उल्टा, दोनों भाव बदले हुए हैं तो ना, भाव बदल गए ना सारे हमारे इंटरेस्टिंगली सब कुछ बदल जाता है याचक समझने वाली की तो क्या वो पीछे चीज। याचक वाली अवस्था तो भैया वो लगता है पीछे छूट गई। अब तो हमारे अंदर सिर्फ देने का भाव ही रहता है। हाँ वही तो हम कह रहे हैं, जितना भी बन सके देने
लेते जाए। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि चेंज हो गया है, सेटिंग चेंज हो गई हमारी। तब इस कंडीशन में हमारा भाव बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा बहन। सब कुछ बदल जाएगा। अब आप जरा एहसास करके देखिए, अभी हम जिस दौर से गुजरे उसका मायने क्या था या उसमें अनुभूति कैसी हुई। अभी तक हमने बहुत सारे ध्यान के सेशंस किए, ऊर्जा पा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अभी इस भाव में हमने ध्यान किया तो क्या अंतर महसूस हुआ, क्या डिफरेंस महसूस किया अपनी अंतर चेतना में? वापस नहीं जा रहा, आदान प्रदान हो रहा है, ट्रांजेक्शन। आदान प्रदान, हाँ, जैसे हम सेंट भी आपस में मिलते हैं, एनर्जी से एक्सचेंज होती है, लाइक मतलब उसी तरह से कह सकते हैं। एक चीज देखिए, एक दीपक बुझा हुआ है, हमने हमने उसे जलाया, अग्नि लेके आए, हम अग्नि लेके आए, उस दीपक को जलाया। तो पहले दीपक बुझा था तो उसे अग्नि चाहिए थी, अब दीपक जल गया है तो वो प्रकाश दे रहा है। अंतर समझ में आया? ये एक इसका डिफरेंस है समझने के लिए कि ये परिवर्तन आता है हमारे अंदर, ये परिवर्तन घटित होता है, और इस परिवर्तन के साथ में एक मैच्योरिटी आप अंदर फील करते हैं, एक बड़प्पन महसूस करते हैं, एक बड़प्पन कि देवी देवता भी तो हमारे हैं, उनका भी तो पोषण होना चाहिए। ये एक डिफरेंस आ जाता है क्योंकि अब हम मां के साथ एकाकार हैं, सदाशिव के साथ एकाकार हैं, तब उनके साथ एकाकार हैं तो देवताओं के पोषण के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो ये दूसरा डिफरेंस आ गया समझने के लिए। पहले हम एकाकार हो रहे हैं पाने के लिए, अब हम एकाकार हैं देने के लिए। जब दे रहे थे ना तो बहुत अंदर से ना देवताओं को बहुत क्लोज से महसूस किया, क्योंकि से हम उनको महसूस कर रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं, वही तो मैं कह रहा था बहन कि अंतर आ गया ना दोनों चीजों में। और इसी तरीके से हम दाता वाले भाव में बने रहे, अगर दाता वाले भाव में, तो सोचिए कितना मजा आता है इस भाव में, एक एहसास कितना खूबसूरत है, दाता वाले भाव वाला एहसास। एहसास ही भैया यही तो एहसास सही है, इसी में ही आनंद आता है। अब तो सही नहीं, जितना देते जाते हैं उतना और आता है ना, इच्छा करते कि और हमारे यही तो दाता वाले भाव अंतर है ना हमारा। जब ये चेंज हो जाता है हमारा, तब हम समझते हैं हमारा जीवन का सार्थकता क्या है। भैया कई बार होता है इंसान जब खुश होता है, बहुत खुश आनंद में होता है, तो उसके अंदर के देवी देवता भी आनंद दे रहे होते हैं या सिर्फ आत्मा से ही आता है? और जब वो दुखी होता है तो वैसे तो दुख अटैचमेंट की वजह से आता है, पर अगर कोई दुख आ रहा है तो दो ही कारण होंगे, या तो हमने कुछ गलत किया, हमारे देवी देवता अप्रसन्न हो गए तो उस वजह से हमें दुख आ रहा है, या हमारी आत्मा से, मतलब आत्मा से आता है या देवी देवता के प्रसन्न होने से या अप्रसन्न होने से, कैसे होता है ये भी बताइए।
हमें अंदर से खुद ही तो पता लगता है बहन कि अब क्या हो रहा है हमारे अंदर, हमें खुद ही तो पता लगता है, और हमारी मनोदशा क्या है ये भी हमें खुद पता लगता है, या नहीं पता लगती है ना हमारी हमारी आत्मा बताती है, आत्मा से आता है ये सब, आत्मा से आता है ना, लेकिन मनोदशा हमारे क्या होती है उस वक्त, जो भी चाहे भले ही आत्मा से आ रहा हो या हमारे किसी भी जगह से आ रहा हो, लेकिन हमारी मनोदशा क्या होती है ये समझने वाली बात है। सोर्स तो हमारी आत्मा है, सोर्स से माता जी है, सोर्स सदाशिव है, लेकिन साथ में हम भी वहां विद्यमान है ना, हम किस भाव में विद्यमान है ये काउंट करता है ना बहन, क्यों? क्यों मैम? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। तो बताइए क्या महसूस होता है, एहसास करके बताइए। बिल्कुल सारा भाव का ही होता है। हाँ, आगे समझ सारा भाव का होता है। एक्चुअल में आप थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो रहे थे, अभी तक जो अभ्यास किया वो सारा एक टेक्निकल के रूप में आपके माइंड में सेव हो गया, माइंड में सेव हो गया तो जरा सी उसकी सीक्वेंस चेंज हुई तो आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि आप इस सीक्वेंस के साथ अटैच हो गए, और अटैच हो गए तो आपके माइंड में कंफ्यूजन पैदा हो गया आपकी, ये क्या हो गया, समझिए कितने प्रकार से हम अटैच हो जाते हैं। एक प्रोसीजर से हम गुजरे, एक प्रोसीजर से हम गुजरे और हम अटैच हो गए, देखा आपने कितने तरीके से हम अटैच होते हैं। क्यों मैं महसूस किया? अटैचमेंट कितने प्रकार के हैं, संसार के मैटर तो है ही है। अब हम ध्यान में भी उतरते हैं, कोई ध्यान का तरीका जरा सा बदला, अब हमें उलझन होने लगी, ये क्या हुआ, हम तो ऐसे करते थे, बिकॉज वी आर अटैच्ड, वी आर नॉट फ्री। तो ये भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके से जुड़ रहे हैं, हमें उससे भी अटैच नहीं होना है, हमें तुरंत स्पॉन्टेनियटी के साथ में हमें वैसा ही जीवन जीना है, वैसा ही व्यवहार करना है जैसा हम कर रहे हैं वर्तमान में, जो चीज उपलब्ध है। आपको उलझन नहीं आती यदि आप उस प्रोसीजर की मेमोरी में नहीं जाते। ये भी एक चीज सीखने वाली है, अब आपने बताया, मतलब समझ आ रही है कि ये कितना सूक्ष्म है। हाँ, अपने आप एक चीज हो जाती है, पर अब हम जान गए हैं तो नेचुरली कॉन्शियस हो गए। अब देखिए कंफ्यूजन क्यों आया, क्योंकि वो जो हम ध्यान में जुड़ते जा रहे थे वो हमारा माइंड में चला गया, वो सारी चीजें माइंड में चली गई और वहां सेव हो गई। अब जैसे ही चीज चेंज हुई तो उलझन पैदा हो गई तुरंत, हमें ओपन रहना चाहिए, हमें अटैच नहीं होना किसी भी प्रोसेस से। आज जो आ रहा ही नहीं करना कि वही वाला आया जो पहले आया था, वो तो होता ही नहीं। बहुत से सिंगर ऐसे कहते हैं, ओह पहले जब हम आए थे ना इतने अच्छे वाइब्रेशन आते थे, अब नहीं आते क्योंकि वो उस वाली चीज से अटैच हो गए। अब जो आज आ रहे हैं उसे वो मिस कर रहे हैं, उसे पकड़ नहीं पा रहे, लेकिन पुरानी वाली याद में आज वाला भी नहीं मिल रहा और पहले वाला तो मिला ही नहीं है। ये तो हर रोज नया होता है, हर रोज हमारी स्थिति मन की स्थिति से पर ही डिपेंड करता है।
अगर आप ऐसी मनस्थिति अगर में हम ध्यान में मन को शामिल करेंगे तो मन ऐसे ही बीच में अड़चन डालेगा जैसे आज डाल दी आपके मन में अड़चन, क्योंकि मन को शामिल रखा हुआ है आपने, मन ने तुरंत आपको इंटरप्ट किया, कह रहे ये कैसे, वो तो हम पहले से ही कनेक्टेड थे, अब ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि वर्तमान की चीज ग्रेस्प नहीं कर पाए, मन ने आपको चीज ग्रेस्प नहीं करने दी है ना, इंटरेस्टिंग बात। बात था जो है आगे बीच में ये दिख जाता है, हमें फील होने लग जाता है, तो इसको हटाना है, इसको जो हो रहा है वो सच में हो रहा है, उसको एंजॉय करो, ये अंदर से पता यस चलता है पता, पर सोच कहाँ से आ जाता है ना कहीं से वो। आता नहीं है, हम खुद लाते हैं, हमने खुद ध्यान नहीं दिया, हमने मन के अंदर डाल दी सारी चीजें, हमने मन में सेव कर दी, हृदय में सेव करना था, हृदय में सेव करने की जगह हमने मन में सेव कर दिया, ये गड़बड़ करी। तो इस कारण से प्रश्न आ गया, आज तक जितनी भी चीजें गई हैं आपके मन में भी जा रही हैं, हार्ट में पूरी तरह नहीं जा रही, मन की मेमोरी एक्टिव हो गई, क्यों एक्टिव हो गई, क्योंकि मन को आपने आगे रखा हुआ है हृदय से भी पहले, ये गड़बड़ हुई है। तो अलर्ट रहना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे ही आपने क्वेश्चन किया मुझे तभी समझ में आ गया था, हमारी बहन ने सारी चीजें मन में डाल ली है सहज ही, यही तो कॉमन मिस्टेक करते हैं, सदा से यही वाली मिस्टेक करते आ रहे हैं, ध्यान की हर चीज को माइंड में डाल देते हैं, और एक बड़ी गंभीर समस्या है, माइंड में डालना एक बहुत ही गंभीर समस्या है बहन, ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। आज भी है बिल्कुल अब मेरी बात समझ में आ गई ना आपको? अब भी ये गलती नहीं होगी क्वेश्चन आते ही समझ में आ गई मेरे को, हो गई बहन से। Can you hear my voice, Jasleen? हाँ जी आ रही है भैया आवाज आपकी, पर अब दिख नहीं रहे। हाँ मैं दिख रहा हूं सामने, देखो जसलीन मैं दिख रहा हूं ना? हाँ आप दिख रहे अब मुझे दूसरा रास्ता निकालना पड़ रहा है, ऑडियो तो मैंने मोबाइल का ऑन कर रखा है और वीडियो मैंने लैपटॉप का ऑन किया है, मजबूरी, दिक्कत आ रही है। तो बहन जी समझ में आ गई बात, कॉमन मिस्टेक कैसे करते हैं आज आपने बिल्कुल ठीक मतलब पकड़ी मेरी गलती, मैं सोच रही थी जैसा आपने कहा ना कि सहजी पुरानी बात को पुराने एक्सपीरियंस हुए थे, तब बहुत डिप्रेशन भाई मेरे अंदर भी आया था कि लास्ट टाइम मैं कह रही थी ये मेरा अभी तक का बेस्ट सेशन फील हुआ है, आज क्यों नहीं हो रहा जब आप बोल रहे थे तो मैं सोच रही थी कि मैं भी ये सोच रही थी, मतलब कि आज मेरे अंदर सारा कुछ मन में सेव हो रहा था, पर
आपका कहने का मतलब कुछ हार्ट में जा रहा था कुछ मन में, यही मतलब हुआ ना? आप एक्चुअली आज जो घटनाक्रम चल रहा था आप सारा मन के आधार पे उसको रिसीव कर रहे थे, आप हाँ। उसमें थे ही नहीं, हार्ट में थे ही नहीं, वर्तमान में नहीं थे, आप भूतकाल में थे। अच्छा, इट्स अ कॉमन मिस्टेक। चलिए एक सॉल्यूशन आ गया आगे के लिए, ये वाली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हमारी। जसलीन ये लास्ट सेशन रहेगा, आगे कंटिन्यू मत करना, ठीक है? हाँ जी ठीक है भैया। हाँ जी हाँ जी। तो ये बहन जी बहुत बारीक चीजें हैं, आप सब लोग जो भी सुन रहे हैं समझ रहे हैं इस बात को कितना इम्पोर्टेंट है ये समझना। सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ जी भैया बिल्कुल। हाँ प्राची फ्री हो के आ गई रोने से? कितनी देर रोई? तुम अपना ऑडियो ऑन कर लो, अनम्यूट कर लो प्राची। हाँ कितनी देर रोई? जय श्री माता शिव। जय श्री तो रह रहे के मैं फिर ठीक फील करती हूँ, फिर रह रहे के आती है, फिर मुझे लगता है कि फिर मैं क्या बताऊंगी, फिर ऐसे आ रहा है, लेकिन ठीक है अब मुझे अच्छा लग रहा है। क्या पता बोलते बोलते वैसे हो जाए तो मैं नहीं बोल सकती लेकिन अब तो हल्का फील हो रहा है। तुम्हारा रोना जैसे हो रहा है जैसे बरसात के मौसम में बरसात होती है, कभी आई कभी रुक गई, कभी आई कभी रुक गई। हाँ अब तो कारण पता लग गया होगा कि रोना क्यों आ रहा है, कारण पता लग गया? हाँ कुछ रियलाइज हुआ कि हुआ कि क्या है ना कि जैसे गलतियों के एक्सेप्टेंस में मैं ना अपने आप को लो फील करने लगती हूँ, मतलब जबकि वो नॉर्मल सी बात है, अब वो उसका एक्सेप्टेंस नहीं आता मुझे और ऐसे ऐसे, लेकिन मैं फील कर रही थी कि जैसे मुझे पूरे सेशन में बहुत अच्छा लग रहा था, जॉय फील हो रहा था, पता नहीं फिर आपसे बात करने के टाइम में मैं एक्सप्रेस करने वाली थी कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन वो करते करते रोना आ गया, जबकि मैं ये तो मुझे समझ में नहीं आया मुझे खुद ऐसा कैसे हो गया हो सकता है कुछ निकलना था इसलिए निकल गया, अच्छी बात है। हाँ वो तो देखो सब्जेक्ट चलता रहता है, कोई बात नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं है, आए जाए निकल जाए कोई दिक्कत नहीं। अरे ये सेशंस हैं इसलिए, कोई परफेक्ट लोगों के लिए थोड़ी है, हम जैसे इम्परफेक्ट लोगों के लिए, हम सब लोग इम्परफेक्ट हैं, एंड वी आर ऑन द वे टू बिकम परफेक्ट, बट आई नो वी विल नॉट बी परफेक्ट टिल अवर फिजिकल डेथ, इट इज अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी फ्रॉम इम्परफेक्शन टू परफेक्शन, सो इट इज अ जर्नी, वी शुड नॉट माइंड इट। क्या है हम सब लोग एक से ही तो हैं, उसमें क्या दिक्कत है, हमें किसी को कौन सा दिखाना है बहुत अच्छा बनके, जैसे हमें वैसे ही है खत्म। हाँ इम्प्रूवमेंट की तरफ चलना है, जितना इम्प्रूवमेंट हो सके, जो भी बन पड़े इम्प्रूवमेंट वाली बात को चलते चलना है। तो रोना इसलिए आया तुम्हें कि तुमने अपने आप को मान लिया कि अरे मैं ये क्या कर रही हूँ, कहाँ एक तरफ तो हम देवताओं के प्रति प्रेम और वात्सल्य दे रहे हैं और कहाँ मैं इतनी छोटी छोटी बातों पर अटक जाती हूँ। आहा यहाँ पकड़े गए, यहाँ अटक गए है ना। अब यहाँ पर हमें नहीं अटकना है, हमको अपनी अंतरदशा को भी स्वीकार करना है। एक तरफ हमारी अंतरदशा एकदम महान वाली होती है,
तो एक तरफ हमारी अंतरदशा होती है, एकदम एकदम साधारण सा मानव, एकदम साधारण सा मानव, हम दोनों चीजें एक साथ जी रहे हैं। ये समझना जरूरी है कि हम दोनों चीजें एक साथ जी रहे हैं, तो कौन सी वाले भाव हम पे हावी हो जाते हैं ये इस पे निर्भर करता है। तो हमको गिल्ट कॉन्शियस नहीं होना है कहीं से कहीं तक, नेवर। अगर हम मानवीय चेतना के स्तर पर आते हैं तो हम लर्नर हैं, हम देवी देवताओं के साथ एकाकार होते हैं तो हम गिवर हैं, यानी कि सदाशिव और माँ आदि शक्ति के साथ एकाकार हुए तो हम गिवर हो गए, हम संसार को भी दे रहे हैं, हम देवी देवताओं को भी दे रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, हम देवी देवताओं को भी दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कॉन्शियसनेस है इस बात को समझकर, वो जो प्रवाह है माँ के प्रेम का, वो हमारे माध्यम से ही तो देवी देवताओं तक जा रहा है। तो यहाँ हम गिवर भी हो जाते हैं, और एक तरफ हम अति साधारण मानव होते हैं, तो कभी हम उस मनोदशा में होते हैं तो कभी हम इस वाले भाव में होते हैं। तो हमें दोनों ही चीजों को स्वीकार करना है, अपने आप को गिराना नहीं है, अपने आप को नीचे नहीं ले जाना, अरे ये क्या, हम ऐसे क्यों, ये ठीक नहीं है, क्योंकि देवी देवताओं के पास ये फैसिलिटी नहीं है मानव को जीने की। वी आर बेटर देन देवी देवता, क्योंकि हम मानव को भी जी रहे हैं, हम देवी देवताओं को भी जी रहे हैं, हम आदि शक्ति और सदाशिव को भी जी रहे हैं, कितनी सारी चीजों को हम जी रहे हैं। तो ये फैसिलिटीज देवी देवताओं के पास नहीं है। सो वी आर प्रिविलेज्ड कि हमारी अंतरदशा बदल जाती है, बदलती रहती है, और साथ में हम कॉन्शियस भी हैं कि अपनी जो चेतना की जो ग्रोथ है वो भी चलती रहे, उसमें क्या दिक्कत है। अब बता कैसे लगता है। अब मैं एक बहुत ही मजेदार उदाहरण इससे देने वाला हूं, एक बड़ा मजेदार उदाहरण है जो मैं देने जा रहा हूं इस स्थिति के लिए। अब जैसे कि एक लड़की का विवाह होता है, उसकी आयु 25 साल है। अब जो ससुराल में जाती है तो उसकी जो सास है वो तुरंत उससे ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर देती है कि मेरे जैसी ही सोचना शुरू कर दे, और उसे कहती है देख आज से तेरी जिम्मेदारियां आ रही हैं, पूरे घर को संभालना है। और इधर वो अपने घर में थी, मस्त थी, कोई झंझट नहीं थी उसको, कभी भी सोना कभी भी उठना, मन करा तो काम करना, नहीं करा तो नहीं करना। अब शादी होते ही एक बवाल उसके सर पे आ गया जिम्मेदारियों का, तो उस बेचारी लड़की को समझ नहीं आता कि कभी वो मेच्योर होती है तो कभी वो बिल्कुल चाइल्ड होती है, कभी वो बिल्कुल नखरा दिखाती है छोटे बच्चों की तरह, तो कभी एकदम प्रौढ़ जैसा व्यवहार करना शुरू कर देती है, क्योंकि अभी वो जो वाली स्थिति है उसके अंदर अभी पूरी तरह आई नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी वो वाली आ गई है ना। ऐसे ही होता है ना गड़बड़। जी भैया, अब वहां के जो ससुराल के बड़े लोग हैं वो हमसे बच्चियों से ऐसी आशा करने लगते हैं कि एकदम से वो समझदार और सेंसेबल हो जाए, क्योंकि अब तो शादी हो गई। अब शादी होते ही ओवरनाइट में थोड़ी चेंज हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा मानते हैं क्योंकि ऐसी मानसिकता होती है। तो यहाँ पे भी हमारा ये वाला उदाहरण सूट कर रहा है कि अभी तो हम माँ आदि शक्ति और सदाशिव के साथ कनेक्ट हुए और दाता बन गए, और अभी हम एक छोटे से चाइल्ड ही हैं, अभी इसे ग्रो करना है। दोनों वाले भाव और दोनों वाली दशाएं हमारे अंदर चलती रहती है, तो इसलिए डोंट फील गिल्टी, डोंट फील इनकॉम्पिटेंट, वी आर ऑन द जर्नी, ऑलवेज रिमेम्बर। अब मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी राहत मिल रही होगी। जी भैया, अब समझ ऐसा में आ एक और गई चीज। उदाहरण, अब एक और उदाहरण आता है मेरे को। हमारे बड़े बड़े सहजी कलाकार सहजी होते हैं महान, उस श्रीमाता जी के लेक्चर रटे और सारी बातें दूसरे सहजियों पे उगल दी और धिक्कारते भी हैं, अच्छा तुम वैसे नहीं हो, श्री माता जी ने ऐसे कहा था तुम ऐसे नहीं हो। अब मुझे हंसी आती है, भाई तुम ऐसे हो गए क्या। अरे भाई वो श्री माता जी ने बताया है,
तुम्हारे लिए भी है, हमारे लिए भी है। तुम माँ के लेक्चर के आधार पे हमें कैसे धिक्कार सकते हो? यू आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, वी आर स्टैंडिंग, वी ऑल आर इक्वल। तो धिक्कारा नहीं जा सकता शिवादी के लेक्चर्स के आधार पे। हाँ, अगर कुछ कहना ही है तो अपने अनुभूति के, अपने अनुभव के आधार पे हमें बता दो तो अति कृपा होगी। तो ये भी एक गड़बड़ करते हैं ना, यही वाली फीलिंग आती है ना, शिमोताई ने तो ऐसा कहा था, हम ऐसे नहीं है। अब हो गए ना गिल्ट कॉन्शियस और अपने को बिल्कुल नीचे गिरा दिया ना माँ के लेक्चर्स के आधार पर। तो दिस इज अ मिस्टेक, ये मिस्टेक हमें नहीं करनी चाहिए, किसी भी हालत में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बातें गलत हैं। क्लियर हो गया प्राची जी? गया। भाई हमारी चेतना अभी जा रही है ना उधर की तरफ, पर है ना उस स्थिति में भी, महसूस करना है ना हमें वो वाली स्थिति भी, गिवर वाली स्टेटस को भी हमें जीना है और रिसीवर वाले को भी जीना है और इम्प्रूवमेंट वाले स्टेटस को भी जीना है, कि इम्प्रूवमेंट वाला स्टेटस भी चल रहा है, रिसीवर वाला भी चल रहा है और गिवर वाला भी चल रहा है, सारी चीजें एक साथ चल रही है। डोंट ब्लेम योर सेल्फ, कोई चीज ऐसी मत बोलो अपने लिए, अपने लिए मानो जिसके से इस बात के लिए रोना आए। हाँ, खुशी में रोना आ जाए तो कोई बुराई नहीं, खुशी में रोने में कोई कष्ट नहीं है, पर इन्फिनिटी वाली फीलिंग के साथ रोना एब्सोल्युटली रॉन्ग, एकदम गलत है। अरे पिछले इतने सारे ध्यान में हम लोगों ने अपने मानव को भी तो जिया है और अपने मानव को भी तो जीना है, इसे छोड़ के थोड़ी छलांग लगा के ऊपर पहुंच जाना है, इसे भी जीते चलो, इसकी भी अनुभूतियां लेते चलो और जो हमारी चेतना के संपर्क में आए उन्हें भी जियो, दोनों चीजें साथ चलनी है प्राची। उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होंगी बातें। आ रही है भैया। और रमनी बहन के थ्रू एक बात हमने बताई दी कि हम किसी भी सिस्टम और प्रोसीजर से अटैच नहीं होना है, आज जो हुआ है वो आज पे ही रहेगा, उसे लेके आगे नहीं चलना सिवाय होमवर्क के, होमवर्क हमारा अलग चीज है, लेकिन जो स्पॉन्टेनियसली जो मेडिटेशन घटित हो रहा है उस मेडिटेशन की तुलना किसी भी पुराने मेडिटेशन से नहीं करनी है, एकदम रॉन्ग हो जाता है। यानी कि हम पास्ट में पहुंच जाते हैं और जब हम पास्ट में होते हैं तो हम वर्तमान का ग्रहण नहीं कर पाते, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और हमारा ध्यान का सेशन गया, वेस्ट कर दिया या मिस कर दिया हमने, इस चीज के लिए अलर्ट रहना चाहिए, है ना जी भैया? और कुछ कहना है तुम्हें? एनीथिंग यू वॉन्ट टू से? नहीं भैया, हो गया। चलो और कोई अपने उद्गार। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता भैया। हाँ जी। और हाँ जी भैया, बोलिए बोलिए, तो अपना वीडियो तो ऑन कर लीजिए। वीडियो तो ऑन किया था मैंने। हाँ, अब ऑन हुआ है, बताइए। हाँ जी भैया, आज का ध्यान तो बहुत बहुत सुंदर, अद्भुत हुआ, बहुत ही सुंदर और अच्छा। इतने गहरे उतरे कि मतलब पता ही नहीं था कहाँ खो गए, बिल्कुल ही खो गए बिल्कुल, और मध्य हृदय में इतना ठंडक और शस्त्रार भी और मूलाधार चक्र दोनों तीनों कनेक्ट हो गए थे और बहुत ही सुंदर। और जब आपने बोला कि अब वो क्या कहते हैं कि माँ से मिलके सभी देव गणों के सहायता करनी है हमने, उसमें पूरा पूरा ध्यान वही था बिल्कुल, मतलब जो
जिस तरह से आपने बताया उस तरह से ही पूरा था, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही आनंद में, गहराई में, और डूबे हुए थे कि ये नहीं मालूम चल रहा था कि कहाँ है, कुछ पता ही नहीं था। बहुत ही सुंदर स्थिति में, बहुत ही मतलब इतना प्यार माँ ने भर भर के उड़ेल के दिया, माँ ने बहुत ज्यादा इतना दिया कि कोई बैन करने की वो स्थिति नहीं छोड़ी। बहुत ही सुंदर था। और पिछले ध्यान का आप कह रहे कि नहीं वो करना, पर मैं एक आध चीजें बताने जा रही थी आपको। जब बताइए। पिछले हफ्ते की जो ध्यान था भैया जी, मैं एकदम से मतलब गहराई में चली गई, एकदम ध्यान की गहराई में, आनंद में। और उस गहराई में मैंने मेरे सामने गौ माता का दर्शन हुआ, गौ माता ने दर्शन दिया। तो मैं उनको ऐसे ही उनके पूंछ पकड़ रही हूँ, सहला रही हूँ, और उसके बाद थोड़ी देर तक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद फिर वही गायब हो गए, गौ माता वहीं पे गायब हो गई। फिर उसके बाद एक गंगा जी आती है, एकदम छलांग मारते हुए गंगा जी आ रही है, और वो पानी बिल्कुल मतलब ऐसे कीचड़ टाइप का है, एकदम गंदा पानी। तो फिर मैं उस ध्यान की गहराई में ही हूँ, पता नहीं एकदम बहुत गहरे ध्यान में हूँ। और फिर मैं कहती हूँ गंगा तो इतनी साफ होना चाहिए, गंगा माता तो, पर ये इतना गंदा क्यों लग रहा है मुझे, गंदा क्यों दिख रहा है। तो एकदम से जैसे मैंने वो अंदर मेरे अंतर आत्मा में जो सवाल चल रहा था कि इतना गंदा तो गंगा मैया को नहीं होना चाहिए, साफ होता है गंगा मैया तो, साफ होती है। तो इतने में ही ना और छलांग मार के ऊपर से गंगा मैया आई, और एकदम साफ क्लियर बिल्कुल ऐसे सुंदर मतलब बहती हुई। तो उसके बाद थोड़ी देर तक वो चलती रही, मैया बह रही है, और मैं एकदम देख के खुश हो रही हूँ, कितना साफ, इतना सुंदर फिर कैसे हो गया एकदम से, ये भी अंदर अंदर ही अंदर मेरे मन में चल रहा था। तो उसके बाद फिर जैसे मैं फिर वहां से हटी, मैया के पास से हटी, तो फिर अपने ध्यान की गहराई में चलती रही, और बहुत ही सुंदर था। जो कीचड़ वाली गंगा देखी ना, वो जी अंतर स्थिति आपको दिखाई है, क्योंकि आपका यंत्र अच्छा, अभी वो अनुभूतियों में अभी डेवलप नहीं हुआ ना, तो आपके हाँ जी, दृश्यों के जरिए उन्हें समझाना पड़ रहा है। अब वो जो हाँ गंगा है, जो शस्त्रार से आई है गंगा, हमारे हाँ मन जी, से मिलकर वो मलिन हो गई। मन के अंदर अच्छा तो कीचड़ ही है हाँ ना। जी भैया, वही और मतलब गैया आपको इसलिए दिखाई दी, बचपन से आपने कहानियां सुनी होंगी, पढ़ी होंगी कि हाँ गंगा जो जी है ये भव सागर पार कराती है, वैतरणी पार कराती है, पूंछ पकड़ के। तो जी आपकी मन हाँ के जी अंदर जितनी सारी चीजें थी ना, वो हाँ आपके जी जरिए परिलक्षित हो गई। तो ये हाँ दर्शन नहीं जी है बेसिकली, इसे हम दर्शन नहीं कहेंगे। हमारे मन के हाँ अंदर जी जो संग्रह है या हमारी स्थिति है, उनका मिला जुला चित्रण आपको दिखाई दिया। अच्छा ध्यान में दिखना कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्या अच्छा होता नहीं है कि जैसे हम लोग साधना साधना से जुड़े हैं, हमारी जो जी चेतना की अवस्था है उसी के मुताबिक हमें समझाया जाता है। तो आपको दृश्यों से थोड़ा ऊपर उठना होगा, अनुभूतियों जी में आना होगा, क्योंकि ये चेतना ऊपर उठानी पड़ेगी, ताकि ये दृश्यों के चक्कर में, दृश्यों के जरिए परमात्मा आपको ना समझाए, क्योंकि दृश्य जी सारे हमारे मन के अंदर भरे हुए हैं, यानी कि आज्ञा के स्तर पे हम अटक जाते हैं, आज्ञा के स्तर पे आ रहे हैं बार बार, जी इससे हटना होगा। जी अब चूंकि मन भैया की बात आ गई, तो मन के अंदर घुस गए ना, मन में सारी जी स्मृतियां हैं, जी स्मृतियों जी ने और आपकी मन की स्थिति ने एक दृश्यों का वर्ण निर्माण किया, उसके जरिए आपको ये चीज समझाई गई। जी वो जो मन का कीचड़ है ना, तो हाँ जी बिल्कुल पवित्र गंगा कीचड़ में वही, तो
कीचड़ से थोड़ी मैली हो गई। बाद में जब आपको चिंता हुई तो आपका मन निर्मल हुआ तो फिर वो साफ हो गई। मन हमारी गंगा को जो आ रही है ना ब्रह्मांड से हमारे शस्त्रार पे उतरी है, मन उसको मलिन कर देता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही बात, समझ लीजिए इस बात को। राम हाँ तेरी गंगा मैली हो गई हाँ जी। मन के पाप धोते धोते सही बात है बिल्कुल मैली हो जाती है तो मन में बैठकर ध्यान में उतरने से नुकसान ही यही होता है, हमें खाली होकर ध्यान में जाना चाहिए, मन हटाकर, वरना ये सब चीजें आती रहेंगी। क्योंकि मन के अंदर सारी स्मृतियां हैं और मन प्रोजेक्ट कर देता है सारी चीजों को दृश्य के रूप में। हम कहते हैं हमें दर्शन हो गए, दर्शन नहीं है, नहीं है, सही ये प्रक्षेपण है, मन का प्रक्षेपण है जिसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं अंग्रेजी। जी जी भैया जी, तो जब भी ध्यान में जाएं दृश्यों की कामना ना करें कि मुझे क्या दिखाई दे आज, आज ये दिख जाए वो दिख जाए। हमारे बहुत से सहजी हैं ये, उनको पता नहीं क्या बीमारी लगी होती है, हमें ध्यान में कुछ दर्शन दे दो माँ। अब जो जो निराकारा है वो क्या दर्शन देंगी आप? सही बात है भैया बिल्कुल। जो निराकारा है जिनका ना कोई आकार है ना कोई प्रकार है ना रूप है, तो वो क्या दर्शन दें आप? सही बात, वो दर्शन भ्रामक है। दर्शन है हमारे मन के अंदर जो संचित जो संग्रह है उसका जो एक प्रक्षेपण होता है हमारे मानस पटल पर, और वो दर्शन नहीं होता है। अगर कभी दर्शन होंगे तो खुली आंख से होंगे, बंद आंखों से दर्शन नहीं होते। जी 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 ठीक है मैम, क्लियर हो गया? जी भैया बिल्कुल, मन से ऊपर उठिए वरना मजा नहीं आएगा। जी जी, ध्यान का मजा तभी आएगा जब मन से हटे होंगे। जी जी, नहीं आज तो बहुत गहराई में पहुंच गए, बहुत ही सुंदर ध्यान हुआ और बहुत ही आनंद में डूबे रहे, मतलब बिल्कुल आत्मा और उसमें ही था, कहीं इधर उधर चित नहीं गया, कहीं मन नहीं गया, कहीं किसी चीज में एक मतलब मूलाधार और मध्य हृदय और शस्त्रार उसी में बहुत आनंदित, बहुत अच्छा। सुंदर एक बार बताइए शस्त्रार और हृदय के बाद मूलाधार में क्यों आपकी तरफ गया ध्यान, मूलाधार की तरफ? नहीं वो हलचल हो रही थी तो फिर वहां भी ध्यान गया, वहां से भी ठंडक आ रही थी, बहुत बहुत सुंदर ठंडक आ रही थी, तो बस शस्त्रार में, उसके बाद मध्य हृदय, फिर मूलाधार, बैक मूलाधार में बहुत बहुत ठंडी हवाएं मतलब चल रही थी दोनों तीनों जगह में। जब माँ आदि शक्ति के साथ जुड़े होते हैं ना तो इस सारे चक्रों में कुछ ना कुछ तो होता ही है जी। अब इनका वर्णन करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये तो होना ही है, ये तो होना ही है ना। हाँ जी होना ही है बिल्कुल। जब हम किसी के पास किसी से हम बरसों बाद मिलते हैं तो गले भी मिलते हैं, हृदय भी प्रसन्न होता है, गले मिलते हैं तो गले मिलना तो स्वाभाविक है ना। जी जी बिल्कुल, प्रसन्न होना भी स्वाभाविक है जी। अब इससे ऊपर जाने की जरूरत है। अभी थोड़ा सा ऊपर निकलना पड़ेगा, अब ये सारी बातें बहुत पुरानी हो गई है। जी जी भैया जी ठीक है, और ठीक अगर आप इन्हीं चक्रों में रहेंगे इन अनुभूतियों में तो आपको अच्छे स्तर की अनुभूतियां नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अगर हम 1 रुपया चाहते हैं तो हमें 10,000 रुपए नहीं मिल सकते। बिल्कुल सही बात, अगर हमारी नजर 1 रुपए पे है तो 10,000 निश्चित रूप से नहीं मिलेगा, ये बात समझ लीजिए। जी जी भैया, अब इनसे थोड़ा सा हटना पड़ेगा, यहाँ ये हो रहा है वो रहा है, ठीक है, हमें ऊर्जा के प्रभाव को अपने पूरे सिस्टम में अनुभव करना है, नो डाउट। और पर्टिकुलरली एक दो जगह की बात हमने पहले ही हो चुके हैं ना, चरण, ये सारे चरण पहले बहुत हो चुके हैं शुरू में, जब ये जूम सेशन शुरू हुआ था ना जी, तो इसके पहले महीने में ये सब हो चुका जी। अब हमें थोड़ी नई चीजों की तरफ जाना चाहिए जी, और इसके लिए अच्छा है कि आप पुराने वाले सेशंस थोड़ा सा
ध्यान में जाकर उनके साथ भी आनंद उठा लें तो आपको ये हाँ वाली वो बातें भी समझ में आने लगेंगी। ठीक है मैम? हाँ ठीक है भैया, बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है धीरे धीरे, जरूरी है जो ये, क्योंकि पिछला क्योंकि जी अभी जो देखिए अभी जो हम बातचीत करते हैं, हमारी बातचीत उस स्तर की होनी चाहिए जिस स्तर का ध्यान था। जी जी अब ये है नहीं कि 12th क्लास में एडमिशन लेके फिर 1st क्लास में पहुंच गए। फर्स्ट क्लास के सही बात पाठ्यक्रम की बातें करना मजेदार हाँ नहीं जी लगता। सही इसके बात लिए आपका होमवर्क ये है कि पुराने जितने भी सेशंस हैं समय जी निकालकर उनके साथ ध्यान कीजिए ताकि आपकी इन जी बातों से थोड़ा बाहर निकल जाए। ठीक 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 है भैया, है, ठीक है भैया। इसीलिए इसीलिए हमने 9th वर्कशॉप के लिए सबसे रिक्वेस्ट की थी कि जो लोग जी अच्छे से जूम के सेशन या वर्कशॉप अटेंड कर चुके हैं वही इसमें शामिल हो, जी वरना फिर हम वो वाली चर्चाएं करेंगे मूलाधार में, जी हम वहां पे फूड शॉकिंग की चर्चा हो गई, मूलाधार की चर्चा हो गई, तो जी ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता जी जी भैया है ना। अब हमारी क्लासेस थोड़ी दूसरी हैं। आप इसको पूरा कर सकते हैं, उन चीज सारे प्रश्नों के उत्तर उनमें है, पुराने वाले जितने वीडियोस हैं उन सब में वो सारी चीजें मौजूद है। जी भैया तो आज जो विलक्षण अनुभव है हमें उनकी बातें करनी चाहिए। ठीक है मैम, जी चलिए ठीक है भैया, और ठीक है कोई, भैया, और जय श्री कोई, माता दी, जय श्री माता दी। जय श्री माता दी प्रियंका। बहुत ही अद्भुत अनुभव था, और ऐसा 2 दिन से चल रहा था कि इसके बाद का क्या, सब कुछ मतलब अगर हम ये कर देते हैं, मानव की सहायता करते हैं, लव एंड कंपेशन यहाँ तक फैल जाता है, उसके आगे ऐसे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये इतना शिवांश बन के गया, क्या कर सकते हैं। तो आज उसका आंसर मिला, इतनी सुंदर ध्यान यात्रा थी आज की, इतनी सुंदर, मतलब बहुत गहन ध्यान यात्रा। इसके बाद आप बहुत ज्यादा एक जिम्मेदार, और लगता है कि एक समय कितना कीमती है ऐसे वाला, कितना कीमत है हमारे, एक एक पल का कितना कीमत है, जो हमने कितना गवाया भी है, और अब बहुत ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे वाला आया। हाँ बिल्कुल, अब से एक नई जिम्मेदारी और आ रही है। बहुत सुंदर सेतु वाला जो बात आपने कही कि हम लोग उनके लिए सेतु का काम करेंगे कनेक्शन के बाद, एकाकारिता इतना घटित होना चाहिए हर टाइम में, कोशिश तो पूरी रहेगी, पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसा बहुत ऐसे भारी ऐसा लगा अंदर से कि नहीं, बहुत भारी जिम्मेदारी है, ऐसी छोटी बात नहीं है कि बस ऐसे शिवांश बन गया और मजे ले लिए, ना ना ना, ना। क्योंकि आनंद लेना, आनंद ही लेना अंतिम नहीं है, ये पता चला कि आज के किसी आनंद लेना अंतिम लक्ष्य नहीं है ध्यान में करने का ही, सिर्फ अगर आप पुत्र बनते हो तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, और ये सबका अपना बिल्कुल अपना जिम्मेदारी है सबकी। ये जो अलौकिक जिम्मेदारियां हैं इनका नहर निर्वहन ही आनंद है आज की तारीख में। अब हाँ वो ध्यान के आनंद की कहानी बहुत पुरानी हो गई, वो तो टॉफी चॉकलेट लॉलीपॉप जैसी थी। ध्यान में जाएंगे आनंद मिलेगा, जैसे बच्चे हैं ना काम करेंगे तो टॉफी मिलेगी, ध्यान में जाएंगे आनंद मिलेगा। अब वो पुरान अब ये जो है एक पुरानी ये बात भी है। अब कंडीशनिंग बंधन जैसा लगता है, अच्छा हम ध्यान करेंगे तो मोक्ष मिलेगा, मुझे ये भी लग रहा है, ये करेंगे तो ऐसे यस होगा, ये भी एक बंधन है, ऐसा महसूस हुआ कि ये सबसे बड़े तुमको जो देना है तो हम तो ध्यान एकाकार रहेंगे, ऐसा फीलिंग आया अंदर से आ रहा है कि तो आपको जो देना है आप जो करना है करो, हम एकाकारिता बनाए रखेंगे, ये वाला यस ये असलियत है एक्चुअल में। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर, ये असलियत है एक्चुअली हमारी कि हम जिम्मेदारी निर्वाह करने के योग्य हो जाए। संसारिक जिम्मेदारी तो बहुत मामूली चीज होती है, अलौकिक जिम्मेदारियां बहुत जरूरी है।
इम्पोर्टेंट। अब जरा कल्पना कीजिए हम जा किधर को रहे हैं किधर को ले जा रही है शिमाता जी हमें, कहां पहुंचा रही है, सोचिए जरा। अब समझ में आया शिमाता जी ने क्या कहा था, यू आर अबव एंजल्स, याद आया? अबव क्यों कहा, यू हैव टू फीड द एंजल्स थ्रू यू, दे विल गेट माय लव। ऐसे हम सेतु हैं भाई अपनी चेतना को अपग्रेड करना होगा। अच्छा 6 मिनट रह गए हैं, अब 6 मिनट्स, 6 मिनट 27 सेकंड। ये जिम्मेदारी के साथ में आज हमारे पे एक जिम्मेदारी आई है, लेकिन जिम्मेदारी को मेंटल लेवल पे जाकर निभाने का प्रयास नहीं करना है, हमको अप्रयास अवस्था में रहना है। अप्रयास अवस्था में इस जिम्मेदारी के निर्वहन वाले भाव में रहना है, मेंटल लेवल पे कुछ नहीं करना है। अगर मेंटल लेवल पे करेंगे तो आप पे प्रेशर आने लगेगा, ओहो कितनी जिम्मेदारी निपटाएं, ये करें वो करें, ये सब मेंटल बीमारियां हैं। हमें भाव अपने अंदर स्थापित करना है, इस भाव में रहना है, थ्रू अस ऑल विल गेट बेनिफिट। अब एक बात सोचिए, हम लोगों को क्या बेनिफिट लेना था, ठीक है हमारा ओवर हो गया, अब हम माँ के साथ एकाकार हैं तो हमारा बेनिफिट तो मिल रहा है ना हमें, अब उसका चक्कर उसकी चिंता करने की क्या जरूरत है, हमें क्या मिलेगा, वी आर नॉट सपोज टू वरी अबाउट वॉट वी आर गोइंग टू गेट बिकॉज वी आर वन विद डिवाइन मदर। नाउ वी हैड टू थिंक अबाउट अदर्स, यानी कि जो सीकर्स हैं, अच्छे लोग हैं, ये संसार है और देवी देवता है, अब इनकी, अब इनके प्रति हमें जिम्मेदारी देखनी है, इनकी चिंता करनी है कि इनको बराबर प्रेम मिलता रहे। श्री माता जी कितने युगों से हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं और आज इस युग में जाकर माँ का प्रेम पाने योग्य हुए हैं ये हमारे अंदर रहने वाले देवी देवता, है ना, कितनी विलक्षण घटना, युगो युगो बाद इन्हें माँ का प्रेम हमारे माध्यम से प्राप्त हो रहा है। तो वी शुड अंडरस्टैंड अवर वैल्यू। अब सोचिए इस एंगल से अपने आप को देखो, अब इस अवस्था में आकर क्या हम कहेंगे, अरे माँ ये वाला चक्र ठीक कर दो वो वाला, क्या लगेगा, अच्छा लगेगा ऐसे कहते हुए, कितना अजीब सा लगेगा ना, नाड़ियां ठीक कर दो, नाड़ियां संतुलित कर दो, ऐसा लगता है कोई कटोरा लेके जैसे मांग रहा हो सड़क पे खड़ा हुआ, ऐसा नहीं लगता, और अंदर दाता बैठा हुआ है, ऐसी स्वयं कह रही हूँ कि अंदर स्वयं जब राजा ही बैठ गया तो फिर अब हम अपना हाथ क्यों बढ़ाए किसी के, अंदर स्वयं बैठे हैं जो। तभी तो शिमाता जी ने कहा अरे आपको सिंहासन पे बैठाया है, आप क्यों सिंहासन से उतर उतर के भाग जाते हो, याचना करने लगते हो अब रहस्य समझ में आया श्रीमाता जी की वाणी का? हाँ अब समझ में आया, पहले समझ में नहीं आता होगा माँ क्यों कह रही है हमें सिंहासन पे बैठाया है, अब है सिंहासन पे भाई, हम सब अपने स्वयं के शस्त्रार रूपी सिंहासन पर आसीन है, श्रीमाता जी की गोद में, सदाशिव की गोद में, हम भला याचना कैसे कर सकते हैं, हम भला कैसे याचक हो सकते हैं, ये समझने की बात है। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग, हमारा स्टेटस बदल रहा है, स्टेटस बदल रहा है हमारा, वी शुड अंडरस्टैंड। ये बात है मजेदार, गहरी समझने के लिए। कैसा लग रहा है प्रियंका ऐसे वाले भाव में?
बहुत ही ऐसे महसूस कर सकती हूँ कि याचना किससे करनी है, या फिर प्रार्थना याचना जो भी, जब खुद स्वयं उसे एकाकारिता हो गई, अंदर ही बैठा है वो, तो अंतरकरण में बैठा है, सब कुछ जान रहा है मेरे बारे में, एक एक क्षण को, मेरी हर एक सांस को जान रहा है। फिर उसे बोलना क्या है, कैसे बोलना है, अब बोलना उससे होता है जो सोचिए, दूर होता है। एक दाता जो है, दाता किससे याचना दाता किससे याचना करेगा? चलिए, किसकी मैं इसी भाव में बोला। रहना, आगे आगे इसी भाव में रहना। हाँ मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये होमवर्क है। होमवर्क उन लोगों के लिए वो होमवर्क है जिन्हें तथ्य समझ नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें पुराने वीडियोस के साथ दिन रात उनके कंटेंट्स को आत्मसात करना है जिन्हें ये तथ्य समझ नहीं आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उनसे गुजरना जरूरी है, तभी आपकी चेतना उन्नत हो पाएगी। और बिना उन्नत हुए अब ये सूक्ष्म तथ्य समझ में नहीं आएंगे। मेंटली तो समझ में आएंगे पर अपने सिस्टम में आत्मसात नहीं हो पाएंगे। सिस्टम को आत्मसात करने के योग्य बनाना होगा, और वो बहुत ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ पुराने सेशन से गुजरना होगा। अब हम समाप्त करते हैं, 1 मिनट से भी कम समय रह गया है। इसी के साथ जय श्री माता जी। आज जय स्वीटू श्री ने माता, बोलना था पर बोलने का जय नंबर श्री नहीं आया माता स्वीटू जी का, भैया, आज जय श्री बोलने माता का नंबर नहीं जी, आया सीटू। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम, जय श्री टाइम, माता मुझे जी पता है भैया। तुम्हें बोलना था, तो नेक्स्ट टाइम ठीक है। जी भैया, जय श्री माता जी, जय जय श्री श्री माता जी, आप वाली। को जय श्री माता नया जी, पद, नई जय श्री जिम्मेदारी, माता आप जी, सबको बहुत बहुत शुभ हो। लॉट्स ऑफ गुड विशेस फॉर यू ऑल टू मेंटेन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू बाकी जिम्मेदारियों के साथ इसे भी निभाए। हार्दिक शुभकामनाएं आप सबके लिए।